राधे राधे फ्रेंड्स, तो आज हम क्रोशिया से बनाएंगे हेयर बेल्ट गर्ल्स के लिए। ये किसी ने मेरे को बोला था कि सिर्फ आप कान्हा जी की पोशाक की वीडियोस डालते हो, तो आप प्लीज़ गर्ल्स के लिए कुछ बताओ। तो आज मैंने गर्ल्स के लिए हेयर बेल्ट बनाया है क्रोशिया से, तो आज वो बनाना सीखते हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस तरह से घुमाकर ये चेन ले लेंगे, इसको टाइट कर देंगे। फिर यहाँ पर हम 13 चेन लेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 चेन लिए हमने। पहली चेन छोड़कर सेकंड वाली चेन में यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। आप चाहे बड़ी भी बना सकते हो, छोटी भी बना सकते हो, 13 की जगह 15 चेन ले सकते हो, 17 चेन ले सकते हो, 11 चेन ले सकते हो। छोटी बनानी है अगर तो आप ये खुद से देख लेना कि आपको कितनी बड़ी चाहिए। तो यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच कर दिया। यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे नेक्स्ट चेन में, कोई भी चेन स्किप नहीं करनी है। यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे, फिर नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में स्लिप स्टिच। एक बार स्लिप स्टिच करेंगे, एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से इस रो को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाएंगे, यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, स्लिप स्टिच बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, स्लिप स्टिच बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये हमारी रो कंप्लीट हो गई है। एक चेन लेंगे, वर्क को इस तरह से टर्न करेंगे, फिर ये हमारा पहला डबल क्रोशिया है, पहला हाफ डबल क्रोशिया है। तो ये हमारी चेन है, ये हम इस चेन को उठाएंगे। ये देखिए, ये हमारी चेन्स दिख रही हैं, ये देखिए ये हमारी चेन्स दिख रही हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम, ये हमारी फर्स्ट चेन है, तो इस चेन को उठाएंगे एक साथ और इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। फिर नेक्स्ट चेन को उठाएंगे हम, ये चेन है हमारी, दोनों लूप एक साथ उठाएंगे, इस तरह से यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर हम नेक्स्ट चेन को उठाएंगे, ये हमारी नेक्स्ट चेन है, इसको उठाएंगे, स्लिप स्टिच कर देंगे। ये शुरू में थोड़ा मुश्किल लगेगा, फिर बाद में बनता चला जाएगा। इस तरह से कर देंगे। फिर नेक्स्ट में हम यहाँ पर इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में स्लिप स्टिच करेंगे, फिर नेक्स्ट में यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से, नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में स्लिप स्टिच,
फिर नेक्स्ट में ये हमने दोनों चेन एक साथ उठानी है इस तरह से यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया, यहाँ पर स्लिप स्टिच और लास्ट में हमारा हाफ डबल क्रोशिया ही आएगा। ये थोड़ा टाइट होता है, ये देखिए यहाँ पर इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। एक चेन लेंगे, टर्न करेंगे, फिर ये फर्स्ट है हमारा, तो यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, स्लिप स्टिच सॉरी। फिर यहाँ पर नेक्स्ट चेन में हम, ये हमारी नेक्स्ट चेन है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। फिर नेक्स्ट में इस चेन को उठाएंगे, यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो अब हमारा जो नीचे यहाँ पर हमारा हाफ डबल क्रोशिया बना था उसके ऊपर हम स्लिप स्टिच करेंगे, और जो हमारा नीचे स्लिप स्टिच था उसके ऊपर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा स्लिप स्टिच हो गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट चेन में हम यहाँ पर इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बना दिया हमने। अब नेक्स्ट में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। फिर नेक्स्ट में हम इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में स्लिप स्टिच बनाएंगे। नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर यहाँ पर हम लास्ट में यहाँ पर थोड़ा टाइट होता है ये, शुरुआत में ही टाइट लगता है, बाद में तो इजी हो जाता है। इस तरह से हम इस बेल्ट को कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए, ये हमने एक पट्टी बनाकर तैयार कर ली है। ये देखिए, ये पट्टी बनाकर हमने तैयार कर ली है। इसमें करीबन हमने 90 लाइंस की हैं, 90। तो ये देखिए, अब इसको हमने लंबा धागा करके कट कर लिया है। ये देखिए, ये हमने बनाकर रेडी कर लिया है, और हम इसको इस तरह से पकड़ेंगे, इस तरह से पकड़ेंगे, और हम इस तरह से इसको हम इस तरह से अंदर की तरफ करेंगे, और इसको हम बाहर की तरफ करेंगे इस तरह से। अब हम इसको सिल लेंगे। देखिए, आपको जिस तरह से ठीक लगे आप उस तरह से सिल लीजिएगा।
अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करें। और आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसको हम टाइट करके हमने सिल लिया है ये। अब इसको यहाँ पर नॉट लगाकर धागे को कट कर देंगे। इस तरह से नॉट लगाएंगे। इसको धागे को कट कर देंगे इस तरह से। इसको हम क्रोशी की हेल्प से यहाँ पर नीचे की तरफ नॉट लगा देंगे। इसमें हमें बारीक वाला क्रोशिया हो हमारे पास तो उससे नॉट लगा सकते हैं इस तरह से। नॉट लगा देंगे और इस तरह से इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। इस तरह से हमारी बेल्ट बनकर आई है। यहाँ पर हम डेकोरेशन के लिए कुछ भी लगा सकते हैं जो अवेलेबल हो आपके पास। इस तरह से ये बैंड बनकर तैयार हुआ है। ये हमारा बैंड बनकर रेडी हो गया है। तो आप लोगों को कैसा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और वीडियो ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे।